हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सो एज यू नो स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों का 12th का रिवीजन सेशन कंटिन्यू में है। लास्ट के चैप्टर्स में ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का 5th चैप्टर है, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। टोटल 15 चैप्टर्स हैं एज यू नो इन योर बायोलॉजी सेशन, टोटल 15 है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का 5th है और ये आज हम लोगों का एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा। वैसे आप लोगों के जो मिले होंगे काफी लॉन्ग टर्म के मिले हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक के मैक्सिमम है, लेकिन ये जो चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ये आप लोगों का 1 टर्म में ही खत्म हो जाएगा, 1 सेशन में। बिकॉज इसमें बोर्ड ने आप लोगों के काफी सारे पूरा का पूरा रिड्यूस सिलेबस कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो आप लोगों के इस चैप्टर से अवेलेबल है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एक है आप लोगों का मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाला और एक है ह्यूमन इवोल्यूशन वाला। इन 2 टॉपिक के अलावा आपको इस पूरे चैप्टर में कोई और टॉपिक नहीं करने हैं। सिर्फ दो ही टॉपिक करिए, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आप लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ी होगी, आपने केमिकल थ्योरी भी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ी होगी। देखिए, जो पहले रिड्यूस सिलेबस नहीं था तो आप लोगों ने पूरा पूरा पढ़ा है, नेचुरल सिलेक्शन की भी पढ़ी होगी, केमिकल सिलेक्शन की भी पढ़ी होगी। यहाँ पर है मॉडर्न सिंथेटिक ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी। देखिए, अब जो टॉपिक आ रहे हैं उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, बीच में तो हम कर नहीं सकते, तो जहां से हैं वहीं से करते हैं। और इसमें से कैसे क्वेश्चन कहां से कितने कितने आएंगे वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं और जेनेटिक्स से रिलेटेड, हमने जेनेटिकल, इकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ज्योग्राफिकल, पैलेंटोलॉजिकल, ये सारे इवोल्यूशन देखे हम लोगों ने 9th में भी 10th में भी 11th में भी। जेनेटिकल भी होता है, इकोलॉजिकल भी होता है, एनाटॉमिकल भी है, ज्योग्राफिकल भी है और यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल भी है। सारे के सारे इवोल्यूशन आप लोगों ने 9th से लेकर 11th तक के बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं और विद एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो दी गई थी म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन को। ये भी आप लोगों को पता ही है कि म्यूटेशन थ्योरी आई थी लेमार्केस वगैरह की आई थी, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की दी गई थी, उनको बहुत ही वेटेज दिया गया था उस टाइमिंग पर। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है, लाइक आर फिशर, जेबीएस हैडलैंड, टी डॉबस्किन, जे ऑक्सले, ई मेयर, सिम्पसन, स्टैप्सन, फिशर, सिवल, राइट, मेडल, मॉर्गन, ये सब है। ये सब मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर रहे हैं। तो आपसे हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल बेफिक्र होके छोड़ दीजिए कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कौन कौन से साइंटिस्ट का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिए। 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि मैक्सिमम 2 है, हो सकता है 1 का भी आ जाए, मैक्सिमम 2 है। अब यहाँ पर स्टेबिन्स की, यहाँ पर उन्होंने अपनी एक बुक थी डिस्कस करी थी, दैट इज 5 key factors सच एज जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी वही 2 मार्क्स से ही पूछेंगे, 2 मार्क्स से मैक्सिमम नहीं आएगा, कि जो स्टेबिन्स थी उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, तो उस बुक में उन्होंने 5 key factors कौन कौन से डिस्कस करे थे, लिखवाने के लिए आ जाएंगे। वो की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन समझ में आ गए कहाँ कहाँ से आएगा। यहाँ से अब आप लोग के डेफिनेशन पर आ जाते हैं, डेफिनेशन में यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स की डेफिनेशन यहाँ से पूछ लेंगे। दैट इज व्हाट इज मेंडेलियन पॉपुलेशन, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन अकर इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन एंड सच स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। यहाँ से 2 या 3 मार्क्स की क्या पूछ लेंगे आप लोगों को, डेफिनेशन पूछ लेंगे, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या थी, कि हम लोगों के स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल हमारे पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज करो 4 लोग हैं और 4 लोगों में से 4ों के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के हो गए 2 के नहीं होंगे। ठीक है, हर एक स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब लोग पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इंटरब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि इंटरब्रीडिंग मतलब कैट
हमेशा जो उसका मेल पार्टनर होगा उसके साथ बेबी प्रोड्यूस करेगा, डॉग हमेशा अपनी फीमेल पार्टनर के साथ पॉपुलेशन बनाएगा, दैट इज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। और ये जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं ना जो अपनी अलग अलग पॉपुलेशन कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। एक है यहाँ पर 2 मार्क्स की डेफिनेशन जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, दैट इज जीन पूल। तो जीन पूल क्या होता है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के जीन में प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली बात है हमारी जनरेशन आती है, हमारी जनरेशन में हमारे जीन ट्रांसफर होते हैं और हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस जीन में क्या है पूरा चली जाती है, यानी कि पूरा जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन जीन में होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी के सामने वाले अंदर के जेनेटिक जीन में चली गई, दैट इज जीन पूल। जीन मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, पूल मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ, ओके जीन पूल। यहाँ से इसके अलावा 2 मार्क्स की डेफिनेशन के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूरा कट कर दीजिए, नो इश्यू कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनेगा, नथिंग, डोंट वरी। फायदा नहीं है ना भाई, हम लोग रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन सेशन का कि जहां से क्वेश्चन बने वहां से पढ़ो, जहां से ना बने उसको अपना टाइम वेस्ट ना करो, जहां से नहीं बन सकता तो मैं क्यों पढ़ाऊँ उसको, जितना आता है उतना मैं बताऊंगी। मेंडेलियन पॉपुलेशन कर लीजिए, 2-3 मार्क्स में पूछ लेंगे, 2 मार्क्स में जीन पूल की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए डैग, ये पूरा का पूरा कट कर दीजिए, एक सेकेंड, पूरा मत कट कीजिए। अब देखिए यहाँ से द प्रोपोर्शन ऑफ एन एलील इन द जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ एलील्स एट अ गिवन लोकस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, 2 मार्क्स की डेफिनेशन जीन फ्रीक्वेंसी की पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाइट का फैक्टर ले लो, आप लोग के लास्ट चैप्टर मैंने बताया था हाइट में 2 फैक्टर होंगे, या तो टॉल वाला या आपका ड्वार्फ वाला जिसे हम लोग एलील्स बोलते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम्स में जो एलील्स का प्रोपोर्शन होगा भाई डिफरेंट होगा ना, सेम तो होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा, सब में सेम होगा, तो उसी प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जीन फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट आ जाइए इस वाले पॉइंट पर, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कॉम्प्रोमाइजेस 5 मेन फैक्टर्स। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उसमें 5 मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारे 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड है, एक है जेनेटिक वेरिएशन, एक है नेचुरल सिलेक्शन, एक है आइसोलेशन। जेनेटिक वेरिएशन जो कि म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन या माइग्रेशन के थ्रू होता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन है उसका बेबी हुआ लेकिन उसके जो अंदर जीन की जो इंफॉर्मेशन थी सेम एज इट इज पेरेंट्स की तरह ना जाके, मतलब जो पेरेंट की जीन इंफॉर्मेशन थी सेम एज इट इज बिल्कुल 2 कॉपी ना जाके थोड़ा सा चेंज हो गई, जेनेटिक वेरिएशन। इसके कई 3 रीजन हो सकते हैं, एक तो म्यूटेशन हो सकता है मतलब जीन में कुछ बदलाव आ गए, एक हो सकता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब कोई एक जीन किसी दूसरे टाइप के जीन से कंबाइन हुआ, एक होता है माइग्रेशन कि एक पर्सन जहां पर प्रेजेंट है वहीं शादी कर ले और बेबी हो तो ठीक है सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, लेकिन वो माइग्रेट कर गया किसी फीमेल पार्टनर ने यूएसए जाके शादी कर ली तो बच्चा बुरा होगा ना, दैट इज माइग्रेशन। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे बदलाव आते हैं, वेरिएशन आते हैं। तो एक होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन द फॉर एग्जाम्पलिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। आइसोलेशन में क्या है कि कौन सी स्पीसीज किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, किस एंसेस्टर से इवॉल्व हो रही है, ये हो जाता है यहाँ पर आइसोलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, देखो यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनर ये लिखवा लेगा कि यहाँ पर जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है कितने फैक्टर्स में डिवाइडेड है, 5 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, और ये 5 फैक्टर्स को हमने 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, ये पूछ लेगा एग्जामिनर से। फिर यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में आ जाएगा कि जेनेटिक वेरिएशन की यहाँ पर क्या है डेफिनेशन पूछ लेगा, तो वो हमने बता ही दिया कि जब जीन के अंदर या जीन फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है। अब किस किस वजह से आते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन की वजह से, जीन म्यूटेशन में बता चुकी हूँ ना, एग्जामिनर यहाँ पे ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 2 से 3 मार्क्स की जो एक समरी या पॉइंट्स हैं वो आपसे लिखवा लेगा कि भाई एक्चुअली में जीन म्यूटेशन होता क्या है, ये हो सकता है ना आप लोगों की उसकी डेफिनेशन या कुछ पॉइंट्स लिखवा ले, तो ये आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। मैं इसके लिए मना नहीं करूंगी कि इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसे पूरा पूरा करके चाहिए। 2 मार्क्स की डेफिनेशन तो यहाँ से पूछ लेगा, जेनेटिक वेरिएशन, फैक्टर्स लिखने के लिए बोल देगा कि फैक्टर्स बताओ किस किस वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है। तो अगर डिटेल में पूछा है तो सबको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, शॉर्ट में पूछा है तो सिर्फ नाम लिखे आ जाइए, जीन म्यूटेशन, वेरिएशन और आइसोलेशन वाला, ठीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जीन म्यूटेशन की बात करें तो व्हाट इज जीन म्यूटेशन, यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या होते हैं जीन्स होते हैं,
ठीक है, जीन मतलब अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो हमारे जैसे डीएनए है। मैं एक सीरीज बताती हूँ, उससे समझ जाओगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, क्रोमोसोम्स के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? डीएनए। डीएनए के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? जीन की। जीन यानी कि एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ, जो जीन है डीएनए में, डीएनए के स्ट्रक्चर में एक कुछ पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड होंगे अपनी पोजीशन के हिसाब से, होंगे कि नहीं होंगे? जब जीन की पोजीशंस में, उसके लोकेशंस में क्या हो जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट? तो क्या होता है, जीन जैसे सपोज करो A1 का कॉम्बिनेशन B1 से होना चाहिए था। एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट A1 एंड B1 इज द जीन, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल। सपोज A1 का कॉम्बिनेशन B1 से होना चाहिए, B1 का कॉम्बिनेशन B2 का कॉम्बिनेशन C2 से होना चाहिए, बट यहाँ पर हुआ क्या, A1 ने अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पर B2 के साथ कर लिया, जीन चेंज हो गया ना, हो गया, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन में भी यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, या क्रोमोसोम्स की नंबरिंग भी चेंज हो सकती है। म्यूटेशन भी दो तो तरीके से होते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब जीन में चेंज आना, क्रोमोसोम म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम की नंबर अप डाउन हो जाना, 46 होते हैं 45 हो जाए, 47 हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, राइट। इसी की वजह से हम लोग का वेरिएशन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एक होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ, जो गैमेट फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल के अंदर, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो मेल के गैमेट्स हैं, फीमेल के गैमेट्स के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। तो मेल और फीमेल का एक जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। ये जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे। अब आप कहोगे मैम ये क्या बोल दिया आपने, चलो ठीक है सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर कहा जाए तो देखो, यहाँ पर सपोज करो मदर एंड फादर, ठीक है, मदर के अंदर जो हाइट का ले लेती हूँ, ड्वार्फ ड्वार्फ वाले थे, ड्वार्फ ड्वार्फ, फादर के अंदर टॉल और ड्वार्फ वाले थे, दोनों थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक टॉल वाला एक ड्वार्फ के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक ड्वार्फ वाला दूसरे वाले के साथ ड्वार्फ बनाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे एक पर्सन के, यहाँ पर मदर के, उसने दूसरे, या फिर ये भी हो सकता है कि फादर के अंदर भी टॉल टॉल हो, ऐसी बात नहीं, चलो होमोलोगस दिया है तो मैंने दोनों के अंदर टॉल टॉल ले लिए, होमोलोगस ले लिए, कि यहाँ पर अब क्या हुआ, एक टॉल ने दूसरे डॉर्फ वाले के साथ, एक टॉल ने दूसरे डॉर्फ वाले के साथ क्या किया, क्रॉसिंग ओवर किया। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपने अपनी क्रॉसिंग ओवर करी, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब बच्चे के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि डॉर्फ और डॉर्फ ही चले जाएंगे या टॉल और टॉल जाएंगे, बच्चे के अंदर तो दोनों गए, डॉर्फ वाला भी गया टॉल वाला भी गया, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लिखा भी हुआ है, फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिट मेटिंग गैमेट्स लीड्स टू वेरियस रिकॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इन द फिनोटाइप वेरिएशंस। यही तो है कि भाई फादर के अंदर कुछ अपना अलग जीन होंगे, होमोलोगस भी हो सकते हैं, हेटरोलोगस भी हो सकते हैं, मदर के अंदर भी होमोलोगस भी हो सकते हैं, हेटरोलोगस भी हो सकते हैं, वो दोनों जीन एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे और बच्चे में थर्ड टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक होता है यहाँ पर थर्ड जो फैक्टर होता है वो जीन फ्लो होता है। जीन फ्लो में क्या है, आप लोग बताइए, कि हमारी कोई भी पॉपुलेशन है जब उसकी जनरेशन आती है तो हमारे जो जीन है उस पॉपुलेशन में मूव करते हैं, राइट। अब वो किस वजह से है, माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, राइट। माइग्रेशन मतलब कोई पर्सन, मैंने बताया कोई पर्सन है बाहर चला गया, बाहर जाके किसी से शादी कर ली, बच्चा गोरा पैदा होगा, है माइग्रेशन है, राइट। और गैमेट्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, हो सकता है कि जो यहाँ पर है जो गैमेट्स डिस्पर्जल है या सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है उसमें चेंज आ जाए, उसके अंदर जो जीन फ्लो होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पाया। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं, राइट। एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, उसमें दो तीन फैक्टर्स ही थे, आप लोगों के यहाँ काफी सारे दिए हुए हैं तो हम सभी को पढ़ेंगे। एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट फैक्टर, जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लीजिए, देखिए डेफिनेशन, भले ही एग्जाम्पल लिखने को ना आए लेकिन डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सबका करवा लेंगे एग्जामिनर, तो एक्सप्लेनेशन तो पूरा पूरा करके जाना ही है आपको। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ ना करना, एग्जाम्पल ना पूछते। एनी रेंडम फ्लक्चुएशन इन एलेल फ्रिक्वेंसी अकरिंग इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो
यहाँ पर क्या होता है, एलिल्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, एलिल्स मतलब जैसे हाइट है, हाइट के अंदर दो फैक्टर्स होंगे, या तो टॉल वाला है टॉप वाला, इसी को एलिल्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, इन एलिल में कोई फ्लक्चुएशन हो गया, ऑल्टरनेशन हो गया, बच्चे के अंदर टॉल और डॉर्फ वाले दोनों फैक्टर जाने चाहिए थे, बट ना ऐसे ना जाके टॉल टॉल हो सकता है डॉर्फ डॉर्फ, यही चलेगा, एलिल्स में फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जैसे कि इसके भी काफी सारे वो रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि व्हेन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेवरली रिड्यूस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, कॉज एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इसके कारण क्या है कि सपोज करो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं उससे समझ में आ जाएगा, कोई सपोज करो कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर आया अर्थक्वेक, अब वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर सपोज करो 100 लोग थे, 100 में से 60 लोग ऐसे थे जिसके अंदर ड्वार्फ और टॉल दोनों वाले फैक्टर थे, अब उसमें से 40 लोग ऐसे थे, उसमें 20-20 में डिवाइड कर लो, 20 ऐसे थे जिसके अंदर टॉल टॉल और 20 ऐसे थे जिसके अंदर ड्वार्फ ड्वार्फ थे, अब उसमें क्या हुआ, 40 लोग मर गए, 40 लोग क्या हो गए, मर गए, अब सिर्फ कौन से बचे हैं जिनके पास ड्वार्फ और टॉल दोनों फैक्टर हैं, अभी एक दूसरे के साथ ही तो वो करेंगे कॉम्बिनेशन, बल्कि जो 40 वाले थे इनके पास टॉल टॉल डॉ वाले वो तो वही खत्म हो गए, उनके साथ तो फर्टिलाइजेशन होने से रहा, यही वाले फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो इनके बच्चों में जो एलिल्स आएंगे कुछ बदलाव भी आएंगे ना, फ्लक्चुएट कर जाएंगे, पहले टॉल टॉल डॉ डॉ के साथ अगर होता तो कुछ और एलिल्स होते, अब कुछ और एलिल्स बनेंगे, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, समझ में आ गया, इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्रोमोजोमल एब्रीवेशन, क्रोमोजोमल एब्रीवेशन में आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी यहाँ पर तीन तरीके के होते हैं, क्रोमोसोमल एवरिएशन, क्रोमोसोम्स भी अपने हिसाब से क्या रहते हैं इनका थोड़ा सा कंप्लीट रहते हैं, क्रोमोसोम्स की भी नंबरिंग अपने आप से अरेंजमेंट रहती है, क्रोमोसोम्स क्या है एक तरीके से, क्रोमोसोम क्या है उनके अंदर जीन है, जीन का अपना अरेंजमेंट रहता है, तो जब इनके अंदर कोई होता है तो तीन तरीके से हो सकता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन और यहाँ पर इन्वर्शन, और एक होता है ट्रांसलोकेशन। देखो डिलीशन में क्या हुआ, डिलीशन में क्या था कि ये क्रोमोसोम्स थे, ये इस तरीके से क्रोमोसोम चल रहे थे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से चलने चाहिए, बट यहाँ पर जो डी वाला था इसके अंदर जो जीन था वो गलती से क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट, एक क्रोमोसोम के अंदर उसके अंदर जो जीन की अरेंजमेंट चल रहा था उसमें से एक जीन क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक, डिलीशन, तो भी बच्चों में वेरिएशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या हुआ कि हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे जो बी और सी वाले थे इन्होंने अपनी टू कॉपी बना ली, राइट, बी सी बी टू कॉपी बना ली, दैट इज डुप्लीकेशन, तब भी बच्चों में जेनेटिक वेरिएशन आएगा, आएगा। एक होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ये देखो आपका क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर ये जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ बी सी डी ई, इस तरीके से होना चाहिए, अब है इन्वर्जन, उलट फुलट हो गई, पहले डी आ गया फिर सी आ गया फिर बी यहाँ पहुंच गया फिर ई, यानी कि बी और डी ने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन्वर्जन, तो भी बच्चों में जेनेटिक वेरिएशन आएगा। एक होता है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाता है, जैसे ये चलना चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ए बी सी डी आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में आ कौन से गए, कोई दूसरे आ गए एफ जी एच एम एन, यानी कि एच के बाद के जो जीन थे वो स्टार्टिंग में आके क्या हो गए, आके लग गए, ट्रांसलोकेशन, यानी कि ए बी जो स्टार्टिंग में आने चाहिए थे वो उन्होंने अपनी पोजीशन किसके साथ ट्रांसफर कर ली, एम और एन के साथ ट्रांसफर कर ली, ठीक, और जब पोजीशन चेंज हो जाएगी किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जीन की तो फिर भी जेनेटिक वेरिएशन आएगा, ठीक है, इन सब की बाकी का देखो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है वो मत करना, लेकिन जो इन सब की डेफिनेशन है वो जरूर कर लेना, डेफिनेशन ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स की पूछेंगी, एग्जाम्पल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो नेचुरल सिलेक्शन वाला था, नेचुरल सिलेक्शन वाले में तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डार्विन की थ्योरी थी जिन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन दी थी, ठीक, उन्होंने भी जेनेटिक वेरिएशन के बारे में ही बताया था, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो फिट है वो सर्वाइव कर जाता है, जो अनफिट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ये डिपेंड करता है उसके
अडेप्टेशन पर, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी नेचर में रह रहा है तो वहां के एनवायरमेंट को कितना अडेप्ट कर पाता है, अपने अंदर कितने बदलाव लाता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। जितना अडेप्ट कर लेगा, जितने अंदर बदलाव ले आएगा, सर्वाइव कर पाएगा, फिटेस्ट है, नहीं कर पाएगा तो आगे उसकी जनरेशन बढ़ती नहीं है, यही बताया था। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन दी कितने थी, डार्विन ने दी थी, यही दी थी। अब देखो इसके अलावा उन्होंने बोला क्या था सेकंड पॉइंट में, द फिटेस्ट विल बी एट सिलेक्टिव एडवांटेज एंड विल बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एज द फिट कंटिन्यू टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिविटी एंड न्यू स्पीसीज विल इवेंचुअली इवॉल्व। अब उसके अपोजिट में सिर्फ एक तो ये वाला पॉइंट कर लेना, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा पूरा छोड़ दीजिए। नेचुरल सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क्स का लिखवा लेंगे, उसमें भी आप सबको ये कहना कि डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन पे दी थी, इवोल्यूशन के लिए दी थी। पॉपुलेशन की जो संख्या है कम कब होती है, ज्यादा कब होती है, वो डिपेंड करता है इसके नेचुरल सिलेक्शन पर। फिट है तो सर्वाइव कर पाएगा, रिप्रोडक्ट करेगा, न्यू स्पीसीज आएगी, और अनफिट है तो उस चीज को अडेप्ट कर पाया इसके एनवायरमेंट को, दे विल नॉट सर्वाइव नॉट रिप्रोड्यूस, बट इट इसके अलावा इसके कुछ भी नहीं करना। इसके वाला इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल छोड़ दीजिए, नथिंग इंपॉर्टेंट, ये वाले पॉइंट पर आ जाइए। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर उसी को हाई मतलब उसी को इंकरेज करता है जो कि हाईएस्ट डिग्री एडेप्टिव एफिशिएंसी होती है, मतलब जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा एडेप्टिव एफिशिएंसी है उसको नेचर इंकरेज भी करता है और वहां पर उसको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1845 ग्रे वाइट विंग मॉथ दैट इज वर मोर इन नंबर दैट ब्लैक विंग्ड मॉथ, पहले ज्यादा थे। अब यहाँ पर हो सकता है वाला एग्जाम्पल लिखवाने के लिए आपको दे दे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दीज मॉथ आर नॉक्चुरल एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन द ट्री ट्रंक। अब गायब होने लगे, यानी कि रात में वो क्या होने एकदम घूमते थे और दिन के टाइमिंग पर वो ट्री की ट्रंक पर रेस्ट करते थे। देन वाइट विंग मॉथ कैन कैमोफ्लेज्ड, अब यहाँ पे जो वाइट विंग थे वो कैमोफ्लेज हाइड करना शुरू कर दिए। एंड वेल विद द लिकेन कवर ट्री दैट हेल्प टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटरी बर्ड, और लिकेन भी होती है, लिकेन ट्रीज पर लगी रहती है, उसकी वजह से वो प्रीडेटरी बर्ड से बचने लगे। अदर हैंड ब्लैक विंग मॉथ रेस्टिंग ऑन लिकेन कवर ट्री ट्रंक वर इजी विक्टिम फॉर द प्रीडेटरी बर्ड्स एंड देयर नंबर वॉज रिड्यूस। लेकिन जो ब्लैक विंग थे वही ब्लैक कलर के थे, लेकिन भी उन्हें छुपा नहीं पाई, बर्ड्स ने उन्हें खाना शुरू कर दिया, उनकी नंबरिंग क्या हो गई, बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गई। बट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम इन ग्रेट ब्रिटेन, द इंडस्ट्रीज रिलीज्ड ब्लैक सूटी स्मोक दैट कवर्ड एंड किल्ड द लिकेन्स ग्रोइंग ऑन ट्री एंड टर्न द ट्री ब्लैक ड्यू टू पॉल्यूशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगा, पॉल्यूशन की वजह से लिकेन्स जो ट्री पर प्रेजेंट रहती थी वो किल्ड होने लगे, और पॉल्यूशन की वजह से हमारे ट्री भी ब्लैक पड़ने लगे। अब यहाँ पे ब्लैक पड़ने लगे तो वही है, जब लिकेन्स ने पूरे ब्लैक पड़ गए, लिकेन्स भी ब्लैक पड़ गए, ट्री भी ब्लैक पड़ गए, तो ब्लैक विंग्ड को हाइड करना एडवांटेज हो गया, और जब वहाँ एडवांटेज हो गया तो उनकी नंबरिंग क्या थी, बढ़ना दोबारा से शुरू हो गई। गॉट इट, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है हम लोगों का यहाँ पर आइसोलेशन वाला। आइसोलेशन में भी आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन करनी है, that isolation is the separation of the population of a particular species into a smaller units which prevents interbreeding between them. देखिए isolation का simple अगर हम लोग यहाँ पे मतलब बताया जाए तो barrier, देखिए barrier का मतलब होता है एक रुकावट। एक बात बताइए, suppose करिए यहाँ पर मैंने दो शहर ले लिए, city 1 city 2, ठीक है ना, city 1 city 2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी city में क्या है, 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, बच्चे होंगे, वही सेम घिसे पिटे जो जीन है बच्चों में चले जाएंगे, है सेम ही तो जाएंगे, क्या चेंज आएगा। लेकिन इसमें से दो बंदे गए city 2 में चले गए, सिटी टू में जो बंदे रह रहे हैं कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना उनके जीन में। अब यहाँ पे जो दो बंदे थे वो गए सेकेंड सिटी में, फिर वहाँ के साथ शादी वादी बच्चे वगैरह जो भी हुए, अब यहाँ पे जो जनरेशन आई, जो बच्चे वगैरह आए, उनके अंदर जो जीन थे वो कुछ चेंज थे, कुछ बदलाव थे। तो यही होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या किया कि कोई पॉपुलेशन थी उनमें से कुछ हमने स्मॉलर यूनिट को सेपरेट कर दिया, राइट, इंटरब्रीडिंग करने से, यानी कि जरी शादी वादी करने से। इस वजह से क्या हुआ, वो दूसरे शहर में गए, उन्होंने वहां शादी करी, बच्चे वगैरह करे, और जब जनरेशन आई
तो वहां पर उनके बच्चों में कुछ नए जीन्स हुए, कुछ वेरिएशन आए. वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर चेंजिंग एनवायरमेंट. सो दैट इज सम बैरियर विच प्रिवेंट्स जीन फ्लो और एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन. आइसोलेटेड मतलब वही घिसी पिट्टी अपनी पॉपुलेशन में. इसके लिए काफी सारे वो काम करते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ. दो तरीके से होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिकल, एक होता है रिप्रोडक्टिव. ज्योग्राफिकल में क्या, बिल्कुल एरिया ही चेंज कर दिया, जैसे मैंने दिया सिटी वन और सिटी टू. अगर एक बंदा एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में गया तब भी ये होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कि उसने अपने जगह से जाके किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जनरेशन प्रोड्यूस करें, दैट इज ज्योग्राफिकल. एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. देखो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की डेफिनेशन बताई गई. इट इज कॉल्ड अ फिजिकल आइसोलेशन. इट अकर्स व्हेन अ ओरिजिनल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर ग्रुप्स बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स सच एज रिवर, ओशियन, माउंटेन, ग्लेशियर एक्सेट्रा. दे प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन आइसोलेटेड ग्रुप्स. होगा कि नहीं होगा. अब यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर बदल गए, दूसरे पर्सन के जीन बदल गए, तो म्यूटेशन हो गई. म्यूटेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हो गया. एक होता है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई बंदा सिटी वन या सिटी टू में नहीं किया, मूव नहीं किया, ज्योग्राफिकल रीजन उसने चेंज नहीं किया. बस उसने क्या किया कि यहाँ पे 10 लोग थे, ठीक है, यहाँ 10 लोग थे. अब 10 लोग में से क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक बंदा है, उसने किसी एक, जैसे कास्ट, मैं कास्ट वाला सिस्टम देना चाहूंगी. कास्ट वाला सिस्टम में क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो कोई राजपूत हुए, कोई यहाँ पर पंडित हुए. ऑब्वियसली बात है, ये दूसरे एंसेस्टर से, दूसरे एंसेस्टर बोले तो मतलब ये किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से जीन तो चेंज हुए. इस राजपूत वाले ने इस पंडित से शादी कर ली. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव है, यानी कि जो उसने सिटी नहीं चेंज करी, सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव जीन है उसको चेंज कर दिया. अगर वो राजपूत राजपूत से करता तो चेंज नहीं होता ना, लेकिन उसने पंडित से शादी करी. तो इसमें क्या होगा, इसका जो अंदर जो मेटरनल मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कास्ट वाइज ग्रुप वाइज चेंज हो जाता है. मॉर्मन का कुछ और होता है, हिंदू का कुछ और होता है, क्रिश्चियन का कुछ होता है, सिख का कुछ और होता है. जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया. तो इस तरीके से भी इंटरब्रीडिंग स्टॉप होती है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. यहाँ पे आइसोलेटिव मैकेनिज्म के कुछ टाइप्स भी है. जैसे एक होता है प्रीमेटिंग, प्रीमेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म. दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन. यहाँ पे प्रीमेटिंग में क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और जायगोट फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है. कैसे, देखिए सबसे पहले हैबिटेट आइसोलेशन, दैट इज इकोलिक जोन. सबकी डेफिनेशन याद कर जाना, डेफिनेशन तो किसी की भी पूछ लेंगे. मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन बट occupy separate habitat so that potential mates do not meet. See, यहाँ पर क्या हुआ, geographical reason same है लेकिन habitat इनका separate है. एक बात बताओ, कोई यहाँ पर plain area में रह रहा है, plain area में क्या एक ही city होती है, यूपी है. यूपी का जो क्या है, geographical reason तो same है. उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का ले लो, geographical reason तो same है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या एक city है, एक ही habitat है? नहीं ना, coastal area भी है, प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यू एरिया भी है, हैबिटेट तो है ही है कि नहीं है, तो वहां पर मीटिंग हो जाएगी, हैबिटेट आइसोलेशन हो गया. एक होता है सीजनल वाला, सीजन के अकॉर्डिंग वर्क कर लो. मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन बट आर सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, डिफरेंट आ गया ना, ज्योग्राफिकल रीजन सेम लेकिन उसके जो मैच्योरिटी है उनके एज में डिफरेंस आ गया, टाइम में डिफरेंस आ गया, तो भी जीन में चेंज आता है. एक होता है एथोलॉजिकल, ड्यू टू स्पेसिफिक मीटिंग बिहेवियर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट मीट. दैट मीन कि जो मीटिंग बिहेवियर है उसकी वजह से जो वहां की पॉपुलेशन है वो मीट ना करे. एक होता है मैकेनिकल आइसोलेशन, मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, मैकेनिकल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है, तो वहां पर भी फर्टिलाइजेशन होने का कोई सवाल नहीं उठता. हैबिटेट है, हैबिटेट में भी ये मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां पर प्रीमेटिंग, राइट, प्रीमेटिंग क्या कर रहा है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन और जायगोट दोनों होने से रुकता है. तो इसके ये फैक्टर्स हैं, हैबिटेट आइसोलेशन, हैबिटेट की वजह से दो लोग ना करें, सीजन की वजह से, एज डिफरेंस की वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो, मेटिंग बिहेवियर की वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन ना हो.
उसके बाद आता है पोस्ट मेटिंग। पोस्ट मेटिंग में जैसे गैमेट मोटिलिटी, जायगोट मोटिलिटी, हाइब्रिड स्टरिलिटी। देखिए जो गैमेट्स हैं उनकी लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। अब यहाँ पे ड्यू टू वन और अदर रीजन, इफ यूनियन ऑफ द टू गैमेट्स डज नॉट अकर इन द गिवन टाइम, इट रिजल्ट्स इन द गैमेट मोटिलिटी। सिंपल सी बात है, गैमेट मोटिलिटी में क्या है कि यहाँ पर गैमेट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है। सपोज करो कि 24 या 48 घंटे के अंदर वो गैमेट्स बॉडी में जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। अगर तब तक दूसरे गैमेट्स स्पर्म या ओवम की प्रेजेंस है तब क्या हो सकता है, वो गैमेट फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर इतने टाइम पीरियड में ओवम या स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, गैमेट मोर्टिलिटी हो जाती है। यानी कि गैमेट मोर्टिलिटी मतलब यहाँ पर जो गैमेट्स हैं अपने आप को खत्म कर लेंगे। एक होता है जायगोट मोर्टिलिटी, एग इज फर्टिलाइज्ड बट डाइगोट जाइट ड्यू टू सम रीजन। एग तो फर्टिलाइज हो गया लेकिन जायगॉट डेथ हो गई, कहते हैं ना प्री मेच्योर जो बेबी था उसकी डेथ हो गई, सो जायगोटाइज। एक होता है हाइब्रिड स्टरिली, हाइब्रिड डेवलप ड्यू टू मैच्योरिटी बट बिकम स्टराइल ड्यू टू फेलियर और प्रॉपर गैमेटोनेस। पता ही है ना काफी सारे आजकल के टाइम पर मेल फीमेल स्टराइल हो रहे हैं, स्टराइल मतलब उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है बेबी को प्रोड्यूस करने की। वही चीज है, गैमेट्स ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि जो गैमेट्स के अंदर मियोसिस प्रोसेस है, माइटोसिस है, फैलोपियन ट्यूब में या फिर वेस्ट डिफेंडेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाना, जिसकी वजह से हाइब्रिड स्टराइल हो रहे हैं। ये आपको करना नहीं है, इतना पॉइंट आप लोगों का एग्जाम में आना है। इसके बाद क्या आना है वो और बता देती हूँ। इसके बाद जो आप लोगों को पॉइंट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। बीच में आप लोगों का कुछ भी नहीं है, सब कटा हुआ है, सब कटा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, कितना सारा पार्ट कट कर दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये था, एक है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या क्या आएगा, कहाँ से आपको कितना करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो डीएनए कर लेना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2.5% बिटवीन डीएनए ऑफ चिंपैंजी एंड मैन, व्हाइल मंकी एंड मैन इट इज 10%। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लेना। ओके, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, दैट टुक द हिमोल्यूशन ह्यूमन इवोल्यूशन अपेयर टू हैव इवॉल्व फ्रॉम अ ट्री ड्वेलिंग श्रू लाइक एनिमल एंड दिस प्रोसेस बिगेन इन पैलिंक्यो एपोक। इतना कर लीजिए। उसके बाद ये वाला देखिए, दैट इट कैन बी सीन दैट वी आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू गिबॉन्स चिंपैंजीज एंड गोरिलास। ये वाला पॉइंट कर लीजिए, बीच का बिल्कुल काट दीजिए, कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मैं वही बता रही हूँ, देखो आएगा जो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो आप हम करें ही क्यों ना, हमें नहीं करना चाहिए, उतना ही करेंगे जो आ सकता है। ये वाला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट काट दीजिए ऊपर वाला, ये वाला इस पर चाहिए। दैट मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इवोल्यूशन ऑफ मैन इंक्लूड इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, इनहेंस्ड इंटेलिजेंस, क्रैनियल कैपेसिटी, बाइपेडल लोकोमोशन, अपोजिबल थंब, इरेक्ट पोस्चर, शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्ब्स, लेंथनिंग ऑफ हिंड लिम्ब्स, डेवलपमेंट ऑफ चिन, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्पीच आर, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एक्सेट्रा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ ही गया होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में किस किस चीज का इवोल्यूशन हमारे हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल नर्व्स होती है, ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज साइज ऑफ फ्रंटल लोब हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हाई फॉरहेड। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दैट इंक्रीज इन इंटेलिजेंस नेसेसिटेटेड फिजिकल डेवलपमेंट सो दैट बॉडी एंड ब्रेन कुड बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। ब्रेन की वजह से हम बॉडी ब्रेन एक साथ यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पे। फ्रीडम ऑफ फोर लिम्स, हमें फ्रीडम मिली हुई है फोर लिम्स से फ्रॉम लोकोमोटरी फंक्शन, एंड अपोजेबल थंब लेड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हैंड्स फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट बाइपॉडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर कपल्ड विद स्टीरियोस्कोपिक विजन हेल्प मैन टू मूव अराउंड सेफली ऑन लैंड। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद आप ये अलग पॉइंट काट दीजिए, ये वाला पॉइंट भी काट दीजिए, ये तो पूरा ही काट दीजिए, फिर इसमें है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, ये जो आपका टेबल गिवन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये टेबल आप लोगों की 4 मार्क्स में आप लोगों के लिए बनाने के लिए दे दें, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए टेबल में क्लास मैमेलिया है, हम लोग की बात करें क्योंकि मैमल्स में आते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाउच्ड मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स, प्लेसेंटा मैमल। पाउच्ड मैमल्स में आप लोग जानते हैं जैसे कंगारू वगैरह पाउच में अपने बेबी को रखते हैं। एक होते हैं एग लेइंग मैमल्स जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, एक होते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सबसे ज्यादा और डेवलप्ड हुए हैं लाइक ह्यूमंस, जो प्लेसेंटा अटैच रहती है बेबी से।
इसमें जो ऑर्डर है वो प्राइमेट आता है, ये अगेन सब ऑर्डर में टू टाइप्स में डिवाइडेड है, सब ऑर्डर में प्रोसेमी एंड आर्थ्रोपोडिया। प्रोसेमी में लैमर्स और टाइशियर आते हैं, जिसकी पूंछ होती है लंबी लंबी लैमर्स वगैरह, और आर्थ्रोपोडिया में न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, हैमरिडिया। न्यू वर्ल्ड मंकीज में जिनकी लॉन्ग टेल हुआ करती थी लाइक स्पाइडर मंकी, स्क्वायरल मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में यहाँ पर जिनकी शॉर्ट टेल हुआ करती थी लाइक बैबूज, मैक्यूज एंड लंगूर। और हैमरिडिया में टेलर्स ग्रेट एप्स, जिनकी टेल ही गायब हो गई। ये अगेन फिर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइलोवेटेटाइट, पैंग्योडाइट, होमेडाइट। हाइलोवेटेटाइट में लाइक एबोरियल एप्स या फिर गिबन्स। पोंगीडाइट में सेमी एब्रोलर एपिस, गोरिल्ला, चिंपैंसीज और गिनी, यही इवॉल्व हो गए। और हेमिनाइड में इरेक्ट पोस्चर, ह्यूमन बींग्स, हम लोग होमिनेडे में आते हैं। ये आप लोगों की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको तो जरूर करके आ जाना, इसको मैं नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल छोड़ के जाइए। उसके बाद एक और आप लोगों की टेबल गिवन है, दैट इज ये है, यहाँ से वन वर्ड में पूरी टेबल बनाने के लिए किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये काफी बढ़िया, तो टू पार्ट्स में है, जैसे कि यहाँ पर हेड, ये ट्राइथेशियस, ये रेमिथेशियस, ऑस्ट्रेलियोथेशियस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियटस, नेदरलैंड्स एंड होमो सेपियंस। एपरेंस कैसा है, कहाँ से मिला, साइटोफॉसिल रिकॉर्ड, पीरियड क्या है, स्केलेटल फीचर्स कैसा है, पॉस्चर कैसा है, क्रैनियल कैपेसिटी एंड स्पेशल फीचर्स इफ एनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ड्राइथेशियस की बात करें, एप लाइक दिखते थे, ज्यादा लेक विक्टोरिया, अफ्रीका, हाइडोलैंगा और हिमाचल प्रदेश से फाइंड हुए थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो माइकोनियो एपिस था, 20 से 25 MSN। स्केलेटल फीचर्स कोई खास नहीं है, पॉस्चर सेमी इरेक्ट था, क्रैनियल कैपेसिटी नहीं थी, स्पेशल फीचर्स है क्लोज सिमिलैरिटी टू चिंपांजी। यही हम बात करें जो मैन लाइक थे, शिवालिक हिल्स इंडिया इवन इन केन्या में फाउंड आउट हुए। इनका टाइम पीरियड 14 से 12 मेया था। स्केलेटल फीचर्स कुछ भी नहीं था, इरेक्ट पोस्चर था, क्रैनियल कैपेसिटी नहीं है, ना ही स्पेशल फीचर्स था। उसके बाद थे हम लोगों के कनेक्टिंग लिंक आई थी ऐप और मैन की, ये ज़्यादा टाउन इन साउथ अफ्रीका, इथोपिया, तंजानिया, लेट प्लानिया, जो उनका टाइम था 4 से 1.8 मेयो में, नॉट टॉलर देन 4 फीट, जॉज लार्जर, प्रेंगथिस फॉय फेस, चिन एब्सेंट थी, लंबार कर्वेचर प्रेजेंट था, अपराइट स्ट्रक्चर था, क्रैनियल कैपेसिटी 450 से 600 था, एंड मैन विद एप ब्रेन। उसके बाद हैंडी लाइक मैन आए थे, ओल्डुविया जॉर्ज, तंजानिया, अफ्रीका में। टाइम पीरियड 2.5 से 1.4, जोर लॉ था, लोअर जो था, लाइटली बिल्ट थे, डेंटिशन मोर लाइक मॉडर्न मैन, स्मॉलर मोल्डर्स, इरेक्ट पोस्चर था, क्रैनियल कैपेसिटी 650 से 800, probably did not eat meat, made tools from stones, nickname handyman। ये developed होता चला है, evolution होता चला है। फिर आए थे appman, Java picking site से found out हुए थे। time period था 1.5 MIY ago, 5 feet height थी, parenchyma space था, massive jaws थे, huge teeth थे, chin absent थी, bony eye थी, browsers थे, present था, erect posture था, 900 cc cranial, probably ate meat, omnivorous, might have used fires। उसके बाद आए advanced prehistoric man, जिसे हम लोग नेदरलैंड वैली जर्मनी से फाउंड आउट हुए थे। टाइम पीरियड था 1 lakh to 4 lakh years ago, हैवी बिल्ड, शॉर्ट, प्रोमिनेंट ब्रॉ रिजेस, लो फोरहेड, डीप जॉस, चाइन जो चिन थी एब्सेंट थी, आउटवर्डली कर्व्ड हाई बोन्स, इरेक्ट पोस्चर था, 1400 cc, यूज हाइड बरेड देयर डैड कंस्ट्रक्टेड फ्लिंट टूल्स। और लास्ट में आप जाते हैं मॉडर्न मैन है, अफ्रीका से फाउंड आउट हुए थे। स्केलेटल फिजिक है, इरेक्ट पोर्शन था, 1 for 14 50 इसमें क्रैनियल कैपेसिटी है, डेवलप्ड डिस्टिंक्ट ब्रेसेस, डेवलप केव आर्ट अबाउट 18,000 इयर्स एगो। हो सकता है इसमें से आप लोगों को किसी एक का दे दें, सपोज करो यहाँ पर आप लोगों को दे दिया, या तो पूरी टेबल बनाने को दे दी 4-5 मार्क्स की, ठीक है बनानी पड़ेगी, या फिर इसमें से कोई एक दे दिया कि आप लोगों को एक मेन दे दिया है, उसका एपरेंस, साइज, पीरियड, क्रैनियल कैपेसिटी, स्केलेटल फीचर्स, सब कुछ आप लोगों को क्या करना है वहाँ पर शो करना है। हो सकता है इस तरीके से भी आप लोगों को दे दे। तो ये मैंने क्या कहा, ये जो सेशन है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये आपका एक ही सेशन में यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप लोगों को इसमें कुछ करना ही नहीं है, पूरा चैप्टर इसमें खत्म कटा हुआ है, तो भाई इसमें मैं क्या करवा सकती हूँ, पूरा का पूरा आप लोगों के पॉइंट्स यहाँ पर कटे हुए हैं, दो ही आ रहे थे, मॉडर्न सिंथेटिक वाला और ह्यूमन इवोल्यूशन वाला, इजी था, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट, उसमें भी काफी सारे पॉइंट कटे हैं, आप लिए अच्छा है कि रिड्यूस पार्ट इतना है आप लोगों का, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
सो आई होप, और ये भी बता दे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, टेबल में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये टेबल तो पूरी आ जाएगी, कोई एक ही पूरी ईट आ जाएगी, यहाँ से पूरा काट दीजिए, जो जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने आप लोग को बता दिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्या है क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों का मुझे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर करवाना है, सिक्स चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन वाला है, उसमें भी काफी पॉइंट्स कट हैं, एक हो सर ट्राई करेंगे कि या तो एक ही सेशन में खत्म हो जाए, एक नहीं तो दो सेशन में आप लोगों का खत्म कर ही देंगे। बाकी का आप अपना रिवाइज करते रहिए, बुक में जो आप लोगों के मिड सेक्शन में क्वेश्चन प्रेजेंट है टॉपिक्स रिलेटेड वो सॉल्व करते रहिए, बुक की एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते रहिए। बाकी के अपने आप लोगों के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं, उनको लगाते रहिए, हमें अपनी पूरी तरीके से तैयारी करके रखनी है। चलिए मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, तब तक लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।